साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र इस समय की एक बड़ी खबर दोस्तों उसकी चर्चा करना चाहता हूं और यह खबर हालांकि थोड़ी सी पुरानी लग सकती है लेकिन यह वाकई बहुत बड़ी खबर है नैरेटिव के लिहाज से बल्कि नैरेटिव ही सिर्फ नहीं बल्कि परिणाम के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खबर है और दिवाली से पहले इसे आप मोदी का बड़ा धमाका कह सकते हैं इधर पार्टियां पांच राज्यों के चुनाव में लगी हुई है पांच राज्यों में क्या कुछ हो रहा है वो तो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं लेकिन उधर महाराष्ट्र में जी हां महाराष्ट्र में आपको पता भी नहीं चला होगा जो चुनाव परिणाम आए हैं उसने सबके होश उड़ा दिए हैं कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर भी नहीं देखी मैं तो वेट करता रहा कि शायद कुछ लोग इसे दिखाएंगे लेकिन दिखाया ही नहीं और ये इतनी बड़ी खबर है और लोकल चुनाव की खबर है इसका कितना बड़ा महत्व है आपको बताऊंगा आपको कुछ पॉइंट्स पहले आपके सामने मैं रख देता हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ सभी पार्टियों को पटखनी दे दी है जी हां आप रिजल्ट देखेंगे ना आपको यकीन नहीं होगा कि भाजपा ने कैसे पटखनी दी है और जो इंडी अलायंस की पार्टियां है ना तीन पार्टियां जिस पर लग रहा था कि पता नहीं क्या मचा देंगे भूचाल कर देंगे एकदम भूकंप ला देंगे वो सब के सब मिलकर भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाई अकेले भाजपा की बात कह रहा हूं अभी एनडीए की बात भी नहीं कर रहा सब पर भारी पड़ी है भाजपा इंडी अलायंस का बुरा हाल हुआ है जो घमंड थाना वो चूर चूर हो गया है और जनता ने कर दिखाया है इस चुनाव में महाराष्ट्र के शरद पवार पर उनके भतीजे अजीत पवार भारी पड़े हैं यह भी बहुत बड़ी खबर है और सुप्रिया सुले को भी अंदाजा हो गया कि यह जो भतीजा है उसने किया क्या है और इसका भी आपको रिजल्ट दिखाता हूं एक नाथ शिंदे की शिवसेना से जी हां एक नाथ शिंदे यह भी नतीजे में दिख रहा उद्धव ठाकरे को करारी हार मिली है जो कहते थे ना कि अपने बाप के नाम पर लड़कर दिखाओ उनको करारी हार मिली जनता ने दिखाया है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है और एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को ये दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जानते हैं ये जो जिस चुनाव की बात कर रहा हूं मैं पिछले हफ्ते हुए महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हुए मैं ढूंढता रह गया दोस्तों प्रिंट मीडिया में तो चीजें टपुट तरीके से मिली लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी न्यूज चैनल है उन्होंने दिखाया ही नहीं गायब कर दिया और इस परिणाम से सबके होश उड़े हुए हैं पहले मैं आपको उनका नतीजा दिखाता हूं अब खुद देखिए और आप खुद सोचिए कि ये परिणाम कितने बड़े हैं ये महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजे हैं भारतीय जनता पार्टी सात सौ शिवसेना शिंदे वाली 301 एनसीपी अजीत पवार की 407 कांग्रेस कहा है देख लीजिए दो सौ सिर्फ दो एक एनसीपी शरद वाल, पवार वाली सुप्रिया सुले वाली एक और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली सिर्फ 115 और निर्दलीय तीन है ना बहुत बड़ी खबर आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है और जब मैं पंचायत चुनाव की बात करता हूं ना तो इसका महत्व कितना है ये समझिए पंचायत चुनाव में लोगों की सोच रिफ्लेक्ट होती है इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां और झंडा बुलंद करें नहीं जो स्थानीय स्तर पर लोगों की सोच होती है ना किसी नेता के प्रति किसी पार्टी के प्रति वो रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि पंचायत चुनाव तो घोर स्थानीय चुनाव होता है ना और तब जाकर ये स्थिति है अब मैं आपको एक एक करके इनकी स्थिति बताता हूं दोनों गठबंधन का फिर आपको अंदाजा होगा एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरा तरफ इनडी अलायंस एनडीए में तीन पार्टियां भाजपा को सात ये 301 शिवसेना जो एक नाथ शिंदे की है और 407 इनका है जो पवार वाली पार्टी है चौदह कुल मिलाकर के अब इंडी अलायंस में देखिए एक के पास दो एक के पास एक और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की 115, यानी तीनों मिलाकर 546 सौ छियालीस ये असली कहानी है दोस्त और इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि दोनों गठबंधन की चर्चा हो रही है तो दोनों गठबंधन की स्थिति कितनी बड़ी है कितना बड़ा अंतर है अब मैं आपको एक एक करके बड़े ध्यान से इन चीजों को समझाता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है आप सोचिए सिर्फ आप सोचिए ना सात सौ अठहत्तर और अकेले तीनों पार्टियों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी नजर आती है भारतीय जनता पार्टी का कद महाराष्ट्र में कितना बड़ा है भाजपा के पास अकेले सात सौ अठहत्तर और इंडिया अलायंस के पास मिलाकर पांच सौ छियालीस अब आप सोचिए बड़ा भाजपा को निशाना साध रहे थे ना ये लोग भाजपा को किसी तरीके से दूर करना है और ये जो चुनाव हुआ था अभी यहाँ पर विधानसभा तो का तो किस प्रकार की परिस्थिति पैदा की थी ऐसा लग रहा था कि भाजपा ही विलेन है अरे भाई मोदी जी के नाम पर और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आपने चुनाव जीता और आपने छोड़ दिया आप उससे अलग हो गए आपने धोखा दिया जनमत का लेकिन आप भाजपा को ही गुनहगार साबित करने में लगे रहे और उसका नतीजा ये पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर ही बता देता हूं भाजपा के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रही अजीत पवार की एनसीपी रही जी हां अजीत पवार की जो अभी हाल में शामिल हुए हैं और जिन लोगों ने अजीत पवार के शामिल किए जाने पर सवाल उठाया था उनको करारा जवाब मिला है अजीत पवार की पार्टी को 407 सीटें मिली हैं पूरे गठबंधन दोनों गठबंधन को मिलाइए सारी पार्टियों को मिला दीजिए तो भाजपा के बाद अजीत पवार है है इसका मतलब ये है कि अगर मोदी शाह ने या देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को शामिल करने का फैसला किया गठबंधन में तो वो कितना बड़ा फैसला है किस प्रकार से लोगों ने इसका साथ दिया है और इस पूरे मामले में आप देखिए अजीत पवार की एनसीपी ने अपने चाचा की एनसीपी को पीछे छोड़ दिया है आप देखिए अजीत पवार की एनसीपी को 407 सीटें और शरद पवार को एक दुगुने से भी ज्यादा यह स्थिति है कहा चाचा और कहां भतीजा बोल रहे थे ना शरद पवार कि अभी बहुत दम है सब दिखाएंगे चुनाव में यह हाल है और खास बात जानते हैं क्या है शरद पवार को उनके ही गढ़ में बहुत बड़ा झटका लगा है दूर जाने की जरूरत नहीं है जो उनका अपना गढ़ है बारामती इस खबर को देखिए पंचायत चुनाव में बीजेपी शिवसेना एनसीपी तिकड़ी की बड़ी जीत शरद पवार को गढ़ में ही झटका अजित अजीत पवार गुट समर्थित पैनल ने बारामती में ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और दावा यह है कि इनका जो समर्थित पैनल है उसमें बत्तीस ग्राम परिषदों में पर जीत हासिल की है तो इसका मतलब अजीत पवार के एंगल से देखें तो कितनी बड़ी खबर है इसका मतलब है जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि अजीत पवार को शामिल किया जाना एक बड़ा फैसला था महत्वपूर्ण फैसला था और अजीत पवार का अपने चाचा शरद पवार को छोड़ना यह भी बड़ा फैसला है शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका अब एक और मैं आपको महत्वपूर्ण पहलू दिखाता हूं शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भारी पड़ी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना को कितनी सीट मिली 301 सीट जबकि उद्धव ठाकरे को सिर्फ 115 सीटें यानी ढाई गुना से भी अधिक आप सोचिए उस दौर को याद कीजिए दोस्तों जब ये अलग हुए थे एक नाथ शिंदे तो किस तरीके से माहौल बनाया गया था क्या क्या नहीं कहा गया था बाप के नाम की बात कही गई थी कि अपने बाप के नाम पर लड़कर दिखाओ मतलब ऐसा लगता था कि बाला साहेब ठाकरे को सिर्फ एक परिवार की जागीर बनाकर रखने की कोशिश की गई कि हम बेटे तो हम ही सब कुछ करेंगे ऐसा नहीं है और ये जो चुनाव है ना ये मानकर चलिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है उद्धव ठाकरे के लिए ये खतरे की घंटी है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है ना दोस्तों एक और एंगल आपको बता देता हूं सबसे आखिरी स्थान पर रही है जी हां सबसे आखिरी स्थान पर मतलब भाजपा के बाद अजीत पवार फिर शिवसेना उनकी फिर कांग्रेस फिर शिवसेना उसके बाद उद्धव ठाकरे मतलब आप समझिए उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता कितनी नाराज है कितना नाखुश है किस तरीके से उन्होंने अपना वोटिंग पैटर्न दिखाया लेकिन अगर आप पिछले वर्षों में जाइएगा ना मैं तो रिसर्च देख रहा था तब पता चला कि शिवसेना ने बड़ी अच्छी स्थिति थी लेकिन आज आज स्थिति बहुत खराब है अब एक और एंगल आपको दिखाता हूं बड़ी खबर दिखाता हूं कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है सिर्फ दो पर अटकी है मतलब आप समझ रहे हैं दो अभी कांग्रेस कह रही थी ना अब तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए जी ये भी टूट गए वो भी टूट गए सब टूट गए अब हम सबसे बड़ा नंबर वन क्या हो गए नंबर वन दो सीटें निर्दलीय से भी कम आपको सीटें मिली यही सच्चाई है अब कांग्रेस करेगी क्या तो उसने खराब नतीजों पर एक नया बहाना बनाना शुरू कर दिया जानते क्या कह रहे हैं अब इनका तो आदत है ये कह रहे हैं कि भैया पंचायत चुनाव में कोई पार्टी सिंबल पर तो लड़ता नहीं है अब वो कह रहे हैं कि हमने ही सबसे ज्यादा जीत हासिल की कहा किए हो कुछ है आपके पास आंकड़े नहीं है बाकी तो आंकड़े दे रहे हैं ना अब ये कुछ भी बोल सकते हैं तो अब ऐसी चीजों पर क्या भरोसा करेंगे क्या नहीं करेंगे और कांग्रेस के लिए यह वाकई कांग्रेस का तो हाल आप सब जानते हैं, उनकी पूरी नजर तो अभी इधर है उनको तो जहां जो मौका मिल गया वही करने की बात होती है दोस्तों अब महत्वपूर्ण खबर आप समझिए इंडी अलायंस की मैं आपको समेटने की कोशिश कर रहा हूं इंडी अलायंस की सभी पार्टियां मिलकर भी भाजपा के बराबर नहीं है किसी भी तरीके से मतलब अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता आज मोदी के साथ खड़ी है देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ी है और यह पंचायत चुनाव से साफ पता चल रहा है और इसीलिए ये सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए नहीं बल्कि जो पार्टनर हैं उनको भी यह समझना पड़ेगा कि भाजपा के प्रति किस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ भाजपा नहीं जो पार्टियां भाजपा के साथ खड़ी हो गई वही सबसे आगे बताइए ना अजीत पवार आगे हो गए और कहां उनके चाचा पीछे हो गए एक नाथ शिंदे आगे हो गए उद्धव ठाकरे पीछे हो गए यानी भाजपा ही आगे नहीं बढ़ती है भाजपा के साथ जो पार्टियां खड़ी होती हैं वो भी आगे बढ़ती हैं और वही ये परिणाम बता रहा है इसके अलावा महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजे ने शिंदे फडणवीस, पवार और उद्धव का भविष्य बता दिया है ये भी समझ लीजिए भविष्य की स्थिति कैसी होगी किस प्रकार की होगी आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का क्या हाल होने वाला है इससे पता चलेगा ये बात आप समझ लीजिए और इसका असर दोस्तों पांच राज्यों के चुनाव पर तो नहीं होगा लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशारा करता है क्योंकि याद कीजिए विपक्ष की अधिकतर पार्टियां और नेता क्या दावा करते थे आपको तो मैंने कई वीडियो दिखाया ना यही ना कहते थे कि 2019 में तो जीत गए लेकिन 2024 के लिए परिस्थितियां तो बदल गई हैं कैसे बदली तो वो दो उदाहरण देते हैं बिहार और महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हो गई और सबसे अधिक सीटें बिहार में भी नीतीश कुमार अलग हो गए लेकिन आज मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र का चुनाव उन सब के लिए एक उदाहरण की तरह है कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है किस तरीके से पूरी परिस्थितियां बदली हुई हैं आप यकीन मानिए दोस्तों जिन लोगों ने मोदी का साथ छोड़ा 2024 में उनका बहुत बुरा परिणाम होने वाला है यह पंचायत चुनाव ने साफ कर दिया और पंचायत चुनाव को बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यहां स्थानीय स्तर पर ये सारी चीजें तय होती है बहुत लोकल मुद्दे होते हैं लेकिन उन मुद्दों में भी भाजपा के प्रति लोगों ने अपना प्रेम जाहिर किया है तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर थी मैंने कई दिन से सोच रहा था कि शायद कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी लेकिन मेन मीडिया तो पूरी तरह से गायब है कोई कवरेज नहीं है बस अपने अपने मुद्दे लेकर चल रहे हैं तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना प्रेम यूँ ही बनाए रखिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा साथ ही फिर से निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप डिजिटल फ्रॉड से बिल्कुल बचिए मेरे नाम से कुछ लोगों ने चैनल बनाकर मुझे बदनाम करने का एक रास्ता चुना है वो भी मैं देख रहा हूँ लोग मुझे सतर्क भी कर रहे हैं आप भी सतर्क रहें आप प्लीज बचिए कभी कोई मेरे नाम से डिमांड करता है आप उससे दूर रहिए जरा सी चूक से आपको नुकसान हो सकता है इसीलिए आपको मैं बार बार सतर्क कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार